आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र की सराय ख्वाजा पुलिस चौकी के बाहर रात में एयरफोर्स कर्मचारी की पत्नी ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। सड़क पर वाहन चेकिंग का विरोध करते हुए महिला ने पहले ट्रैफिक सिपाही के साथ मारपीट की, उसके बाद बीच बचाव में आए चौकी इंचार्ज से भिड़ गई, जिसमें अब पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल कराया है। जानकारी के मुताबिक मुबीना पत्नी खुर्शीद बीती रात सब्जी खरीदने के लिए एयरफोर्स से खेड़िया मोड़ आई थी। इस दौरान सराय ख्वाजा चौकी चौराहे पर ट्रैफिक सिपाही वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। वाहनों की भीड़ के चलते वहां जाम की स्थिति थी। आरोप है कि वहां से गुजरते समय मुबीना ने ट्रैफिक सिपाही को वसूली के कारण जाम लगवाने की बात कही। सिपाही ने सरकारी काम बताकर उन्हें जाने को कहा तो महिला ने हंगामा करना शुरू कर दिया, साथ ही सिपाही के साथ धक्का मुक्की भी की। सिपाही ने चौकी प्रभारी सराय ख्वाजा को बुलाया तो महिला ने उससे भी अभद्रता की और मारपीट कर डाली। महिला को पुलिस चौकी लेकर आई तो वहां महिला ने तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान महिला के हाथ में नुकीली वस्तु होने से दरोगा चोटिल हो गया। इस दौरान महिला के पति समेत कई एयरफोर्स कर्मी मौके पर पहुंच गए। काफी समय के हंगामे के बाद महिला को थाने लाया गया, जहां महिला ने पुलिस कर्मियों पर शराब के नशे में अभद्रता का आरोप लगाया है। ऐसा था कि एक रूटीन वाला चेकिंग अभियान चल रहा था TSI और ट्रैफिक पुलिस वालों का, जो वहां पे चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान भीड़ ज्यादा हो गई, गाड़ियों की चेकिंग ज्यादा हो रही थी तो वहां पे भीड़ ज्यादा हो गई थी, वहां से क्या कहते हैं लोगों का जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। तो वहां से इनका निकलना हुआ है, इन्होंने क्या कहते हैं वहाँ पे जब भीड़ लगी है तो उन्होंने इस महिला ने उनसे ये बोला है कि ये क्या आपने धंधा बना रखा है। उस धंधा बोलने के चक्कर में उन्होंने कहा कि आप हटियाइए, ये गवर्नमेंट का काम है, सरकारी काम है, काम हो रहा है, इसको काम में बाधा ना डालिए। इतने वो महिला चीर गई, उन्होंने हाथापाई बत भी धक्का मक्की शुरू कर दी। उसके दौरान क्या कहते हैं जब हमारे चौकी इंचार्ज रूटीन वे में निकल रहे थे तो वहाँ पर क्या कहते हैं जब ट्रैफिक वालों को इसके साथ विवाद देखा तो उन्होंने जाके रास्ते को सुलझाने की कोशिश की। वो मामला इतना बढ़ गया कि वो नहायत बत्ती में भी आ गई, पूरे मार्केट ने सपोर्ट किया, सब लोगों ने कहा चौकी पे लेके आए, तो उन्होंने अपने जबरदस्ती कपड़े वपड़े उठाने की कोशिश की, वहाँ से बगल से खुलपी उठा ली, खुलपी से बाहर किया, चौकी इंचार्ज को चोट आई, हम लोगों ने बचाव किया तो हम लोगों चौकी इंचार्ज पे भी हमला हुआ है। हाँ, चौकी इंचार्ज पे भी हमला हुआ है। हम लोगों ने बहुत देर 1-1.5 घंटे से उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन थी ये महिला? एयरफोर्स में सर्विस कर, एयरफोर्स में कोई सार्जेंट है जो 867 SU में है, वो सर्विस करते हैं, उनकी वाइफ थी। CEO लोहामंडी अर्चना सिंह के अनुसार दरोगा और महिला दोनों का मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद महिला के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। थाना शाहगंज के चौकी सराय ख्वाजा क्षेत्र में खेड़िया मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है ट्रैकिंग की जा रही थी, इसी दौरान एक ऑटो का चालान किया जा रहा था। ऑटो में सवार एक महिला द्वारा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की जाने लगी। इसकी सूचना पर चौकी इंचार्ज जब मौके पर पहुंचे तो महिला द्वारा चौकी इंचार्ज के साथ भी अभद्रता की गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनकी वर्दी फाड़ दी गई और चौकी इंचार्ज पर हमला कर दिया गया। चौकी में जो कागज रखे थे सरकारी उनको भी महिला द्वारा फाड़ दिया गया, चौकी पूरी अस्त व्यस्त कर दी गई। महिला की गतिविधियां असामान्य प्रतीत हो रही हैं, वैधानिक कार्रवाई कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।